हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर असाइनमेंट 17 एक्सरसाइज 3.5। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन 2 एच पार्ट। दिस इज 285 को हमें डिवाइड करना है 589,727 से। स्टूडेंट्स, पहले हम गेस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर लिखेंगे। तो 2 की टेबल हमें पढ़नी है, लेकिन 2 के राइट साइड में नंबर 5 से बड़ा है, तो हम 2 की नहीं बेटा 3 की टेबल पढ़ेंगे। अब बेटा 3 की टेबल में 5 से कम क्या आता है? 3 1 3, तो हम 285 लिखेंगे। लेकिन 285 और 589 में बेटा बहुत डिफरेंस है, काफी छोटा है 285 589 से, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 570। बी रिमेंबर, बिना मल्टीप्लाई करे यहां कुछ नहीं लिखना, ठीक है? अब 270 लिख के हम फिर माइनस करेंगे, माइनस करके आया आपका 19, माइनस करके आया 19। अब हमने ऊपर से 7 उतारा तो ये हो गया 197 बेटा छोटा है 285 से, 197 285 से छोटा है। तो हम कोशेंट में देखिए बेटा, जीरो लगा के अगला नंबर 2 भी उतार लेंगे, ठीक है? जीरो लगा के हम नेक्स्ट नंबर भी उतार लेंगे। अब हम 2 की टेबल में किसको देखेंगे? 3 की टेबल में हम 19 को देखेंगे। 3 की टेबल में 19 से कम क्या आता है? 3 6 18 आता है ना। 19 को देखेंगे हम 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल में 19 से कम आया बेटा 3 6 18, तो अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी रिमेंबर, मल्टीप्लाई करके ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आया? 6 से मल्टीप्लाई करके आपका आया 1710, ठीक है? 6 से मल्टीप्लाई करके आपका आया 1710, ठीक है ये? अब हम माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया बेटा 2 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, 9 में 7 गए 2 आ जाएगा, हमारा आ गया 262, ठीक है? अब हम ऊपर से 7 को कॉपी करेंगे, ठीक है? अब फिर से हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 की टेबल में 26 से कम क्या आता है? 3 8 24 आता है। 3 की टेबल में 26 से कम क्या आता है? 3 8 24, तो बेटा हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 8 से मल्टीप्लाई करके बेटा काफी छोटा नंबर आ रहा है। देखिए आप, मैंने मल्टीप्लाई किया है 285 को 8 से, तो आपका काफी छोटा नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए आप, हमें 26 को करना है और मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2022 आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ 26 है और यहाँ 22 आ रहा है, तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है ना, इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? और फिर माइनस करेंगे, देन वी गॉट 62 एज अ रिमाइंडर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 डिजिट का डिवाइजर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 डिजिट का हो तब भी वही तरीका है गैस करने का, 4 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो तब भी वही गैस करने का तरीका है। तो इसमें 9 की टेबल में हम 9 की ही टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि राइट साइड का नंबर 5 से छोटा है, तो 9 की ही टेबल पढ़ेंगे। 9 1 9 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 9050 1 9050, ठीक है? आ गया 9050। अब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आपका आया 2799, ठीक है? ये आया माइनस करके। अब हम ऊपर से 6 को उतार लेंगे, ठीक है? अब आपका आ रहा है, गेस करेंगे हम, तो 9 की टेबल में हम किसको देखेंगे? 9 की टेबल में हम 27 को देखेंगे, 9 की टेबल में हम 27 को देखेंगे, तो क्या आ रहा है बेटा? 9 3 27, क्या आ रहा है बेटा? 9 3 27, तो 9 3 27 तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे, मैंने पहले ही कर रखा है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आया 27,115, तो हम यहां लिख देंगे
हमने यहाँ लिख दिया, फिर माइनस किया, माइनस करके आया 448.46, ठीक है। फिर हमने ऊपर से ज़ीरो कॉपी कर लिया। अब बेटा हम 9 की टेबल में किसको देखेंगे? अब ये देखिए आप, ये है 9050 और ये है 8460। तो ये तो ऊपर से कॉपी करने के बाद भी छोटा है, ये इससे छोटा है ना, तो हम नेक्स्ट जीरो भी कॉपी कर लेंगे। क्वोशेंट में ज़ीरो लगाने के बाद क्वेश्चन में जीरो लगाएंगे और अब अगला नंबर भी हम कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट डिजिट भी हम कॉपी कर लेंगे। मतलब पहले ये कॉपी किया, छोटा था तो हमने नेक्स्ट भी कॉपी किया क्वेश्चन में जीरो लगा के। अब हम 9 की टेबल में 84 को देखेंगे। 9 की टेबल में 84 से कम क्या आता है बेटा? 9 9 81, ठीक है। तो हम 9050 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 9 की टेबल में 84 को देखा तो क्या है बेटा? 9 9 81, तो हम अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 0, 9 5 45, 9 9 81, ठीक है बेटा। ये तो हम इसको लिख देंगे, लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई करके आया था इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब माइनस कर देंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5 आया बेटा, इसने इसको कैरी दिया था 5, 5 में से 4 माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस किया 3, दिस इज आवर रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड भी बेटा जैसे चेक करते हैं ना, हमने चेक किए थे इन क्वेश्चन में, वैसे ही चेक की तरह ही है ये। डिवाइजर दे रखा है 235, वी हैव क्वोशेंट 2503 and we have remainder 85. You know how the checking is done in division quotient. First we should multiply quotient and divisor. Understand students? First we should divide quotient and divisor. Here I have done this for you. पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया बेटा, देन वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 एंड एट लास्ट वी गॉट द आंसर 5,88,205, ठीक है। डिवाइजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आ गया। नेक्स्ट वी ऐड द रिमाइंडर, हम इस प्रोडक्ट से रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा डिविडेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है बेटा, आपको क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से। डिवाइजर आपका 992, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद जो रिमाइंडर है 532, इसको हम ऐड कर देंगे। डू दिस क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि वन आंसर आ जाए? सेम नंबर से 42,817, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड करें बेटा? जीरो आ जाए, जीरो से, सिंपल है, ठीक है। इसको हम वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सेम नंबर आ जाएगा। अब सेम आंसर कब आता है? जब हम वन से डिवाइड करते हैं। जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें इसको मैं आपको विदाउट टेबल समझा देती हूं। फर्स्ट नंबर इज 30,488, इसको बेटा अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 में कितनी जीरो है स्टूडेंट्स? 10 है। तो इसका क्वोशेंट और रिमाइंडर, एक जीरो है बेटा, तो लास्ट का एक नंबर आपका रिमाइंडर हो जाएगा 8 और बाकी सारा हो जाएगा क्वोशेंट। समझ में आया बेटा?
अब इस नंबर को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, अब 100 है बेटा, कितनी जीरो है, 100 में दो जीरो है, तो लास्ट के टू डिजिट इसका रिमाइंडर हो जाएगा, 88 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और बाकी जो बच गया वो कोशेंट। रिमाइंडर पहले डिसाइड होता है इनकी जीरो के अकॉर्डिंग, तो रिमाइंडर पहले आपको पता चलेगा जो बच गया, दैट इज योर कोशेंट। अब इस सेम नंबर को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो कितना रिमाइंडर होगा, लास्ट की थ्री डिजिट रिमाइंडर हो जाएगा। थ्री डिजिट इज व्हाट, 480 एंड कोशेंट 30, जो बच गया दैट इज आवर कोशेंट। 30 है तो बेटा 3 नंबर रिमाइंडर हो जाएगा, बाकी बचा कोशेंट। 20 है तो 2 नंबर रिमाइंडर हो जाएगा, बाकी बचा कोशेंट। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।